ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इनमें अगर गलती हुई तो मतलब सवाल गलत ही हो जाएगा। तो अपन इनको कॉन्क्रीट कर रहे हैं सबसे पहले, इन बहुत ही बेसिक चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री का बेस बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कंप्राइजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन सब चैप्टर्स से मिलके ट्रिग्नोमेट्री बनती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरी तरीके से यूज़ आता है अपने कैलकुलस में, तो अगर ये थोड़ा सा वीक रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपन इसको जितना ज़्यादा बार रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो फटाफट रिवाइज़ करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे करना है। एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेना है, क्लॉक वाइज को नेगेटिव लेना है। ये वाली चार एक्सिस सिस्टम में बना दिया, ठीक है। इसको रेफरेंस एक्सिस बोला 0 डिग्री, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव 90 इधर आ गया, फिर और चले एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो 180, फिर 270 इस एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसे चलते चलते फिर 360 आ गया यहाँ पे। तो अब क्या नोटेशन, ये जो डिग्री वाली नोटेशन है इससे हमें थीटा वाली नोटेशन पे आना चाहिए तुरंत, है ना, क्योंकि ये जो सवाल लिखा आएगा फाइनली एग्ज़ाम में हमारे, वो थीटा वाली नोटेशन में लिखा आएगा। तो अगर हम इस पे स्विच नहीं मारे फटाफट, तो हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करते रहेंगे वहाँ पे, और डिग्री में कन्वर्ट करते रहे तो समय बीत जाएगा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री क्या होता है, 0 पाई, 360 डिग्री इज 2 पाई, 720 डिग्री इज 4 पाई, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते तो -2 पाई भी आ जाता है। इधर इधर भी नेगेटिव चीज़ें आ जाती, इधर भी नेगेटिव -π आ जाता। तो ये हर एंगल एक पैटर्न सा बना रहा है, तो उन सब पैटर्न्स को हमने देखा डिटेल में, ठीक है। एक्सिस वन के अलॉन्ग कैसा पैटर्न बन रहा है, 0 डिग्री इज देयर, 2π इज देयर, 4π इज देयर। हाँ नवीन, सर एक बार ASTC कर लेते। ASTC में तुम्हें बता दूंगा। ASTC तुम्हें समझ नहीं आया क्या, पहले फिजिक्स में पढ़ाया था जब? नहीं सर, वो उसी के रिवाइज के लिए बोल रहा था इसको। अच्छा, तो फटाफट आंसर बताओ, लिख रहा हूँ कुछ एंगल्स, ASTC का रिवीजन हो जाएगा। इनकी वैल्यूज़ बतानी है तुम्हें ना। ASTC रूल लगाते हैं इन पे। ठीक है, पहले का क्या आंसर होगा, 10 20 225 है। तो सबसे पहले तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में, 225, तो 225 है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ASTC किसके आगे लिखा हुआ है, ये 10 के आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कुछ बनाना पड़ेगा 180 या 270 के प्लस माइनस करके। तो इसको बना दिया हमने सबसे पहले 10, 180 डिग्री यानी कि पाई, प्लस 45 डिग्री यानी कि π/4। तो ये वाली जो चीज़ है अब क्या होगी, 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि ये पाई का प्लस माइनस हुआ है, सो आंसर विल बी 10π/4। और प्लस रहेगा या माइनस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे केवल कॉस पॉजिटिव होता है तो माइनस रहेगा। तो कितना आ गया यहाँ, तो 10π/4 1 होता है, तो -1, ठीक है। 1080, 1080 तो 2π का मल्टीपल है, 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा, यानी कि ये 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ही है। इसका मतलब कुल मिला के ये कॉसेक 0 डिग्री लिखना है। कॉसेक 0 इज नथिंग बट 1/sin 0। बनाई क्या बोल रहे हो? सर, ASTC अपने ATSC कर दिया। अच्छा हाँ, सही पकड़ा है। ये है अपना ASTC। तो यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हाँ, अब ये जैसे ASTC मैंने उल्टा लिख दिया था, ASTC या कुछ अलग लिख दिया था, तो ये पैटर्न भी अच्छे से याद रहना चाहिए कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, एस सेकंड में ही आएगा, थर्ड 10 में और कॉस इसमें। हालांकि वो गलती नहीं करोगे तो ठीक है। तो ये क्या आया, 1/sin 0, 1/sin 0 यानी कि 1/0, वो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका आंसर इज नॉट डिफाइंड। 10 135 डिग्री, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में,
ठीक है, 90 से ये कितना ज़्यादा है, 90 ये 45 ज़्यादा है, सो दिस इज़ 10 90 प्लस 45, तो 10 90 प्लस समथिंग है, तो 10 का कॉट हो जाएगा, सो इट विल बी कॉट 45, प्लस लिखेंगे या माइनस, ओरिजिनली 135 था, मतलब ये इसको 10 को देखेंगे ना, इसको नहीं देखेंगे अभी, तो उसको भी देख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन देख लिया तो 10 नेगेटिव है इसमें 135 में, तो माइनस आना चाहिए, तो माइनस आ गया, मतलब -1 आंसर इसका। ठीक है, फिर 225 सेक स्क्वायर, तो इट इज़ नथिंग बट सेक 225 डिग्री का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 225 चले तो 0 यहाँ, 90 यहाँ, 180 यहाँ और 270 यहाँ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो इसको लिखेंगे अपन 1 अपॉन कॉस 180 डिग्री प्लस 45, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये कॉस 180 डिग्री प्लस 45, क्योंकि ये 180 से प्लस माइनस हो रहा है, सप्लीमेंट्री पेयर, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 45, और प्लस माइनस के लिए ASTC रूल, ASTC, यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर करना है, तो कॉस 45 इज़ 1/√2 अपॉन में ना, तो एक माइनस भी आएगा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस चला जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा फाइनली। तो बस ऐसे ही लगाना है हर क्वेश्चन में दिमाग। आया समझ में नवींद्र? कहाँ गया नवींद्र? है तो यहीं पर सर। लेफ्ट कर दी मीटिंग। हाँ, लेफ्ट कर दिया, फिर से आ गया। हाँ सर, आ गया सर। तो अब आ जाते हैं पता अपन। नहीं कभी कभी हाँ माइक चालू होता तो भी आवाज नहीं आती है, तो किस काम हाँ कैसे। समझ समझ गए थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना, तो अब आ जाओ वापस रिवीजन पे, कि ये जो फर्स्ट एक्सिस है, दिस करस्पॉन्ड्स टू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो इसको 2n पाई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपन ने देखा था ना, 2n क्या रिप्रेजेंट करता है, 2n एक ऐसी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है जो ऑड इवन नंबर्स होते हैं, जो तो दिस इज दिस करस्पॉन्ड्स टू इवन पाई, ये हमने समझ गए इस बात को, आई इज इंटीजर है ना। फिर सेकेंड के अक्रॉस एंगल देखा तो -270 डिग्री, 90 डिग्री, 450 डिग्री, ऐसे एंगल आ गए, ऐसे एंगल आने से क्या हुआ, ऐसे एंगल आने से हमें समझ में आया कि ये किस टाइप का पैटर्न लिखा हुआ है, -3π/2, π/2, 5π/2, ये तो उठा के हमने क्या किया, इसको तो 2n π तो बोला ही था, 2n π में π/2 और जोड़ दिया, तो ये 4n+1π/2 के स्ट्रक्चर का बन गया, ठीक है, और 4n+1 के करस्पॉन्डिंग -7 -3 1 5 ऐसे नंबर आते जाएंगे। फिर तीसरे क्वाड्रेंट पे है, ये किस स्ट्रक्चर का बन गया, तीसरे एक्सिस पे आई, ये किस स्ट्रक्चर का बना, ये बना अपना -3π -π, ये ऐसा कुछ, तो ये ऑड पाई के स्ट्रक्चर का बन गया, सो दिस इज ऑड पाई, ठीक है, जैसे ये इवन पाई था, ये ऑड पाई है, ठीक है। फिर चौथे पे आए तो चौथा किस स्ट्रक्चर का बना, 4n+3π/2 के स्ट्रक्चर का, तो कुल मिला के ये सब हमको याद रखना है कि ये 2n π के स्ट्रक्चर का है, ये 4n+1π/2 के स्ट्रक्चर का है, ये 2n+1 × π के स्ट्रक्चर का है, और ये 4n+3π/2 के स्ट्रक्चर का है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद कैसे रखेंगे अपन, ये वक्त के साथ याद हो जाएंगे, और इनफैक्ट आगे चल के थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इतनी गहराई से भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ईजी है याद रखने के लिए, इवन पाई, इवन पाई तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, तो ये वाला तो बहुत ईजी है याद रखने के लिए, ऑड पाई इसको ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, ठीक है, इवन ऑड में अंतर थोड़ी भूल जाओगे, भूलने का दिक्कत कहाँ पे आता है कि यार ये 4n+1π/2 है, इतना बड़ा डेटा, और ये 4n+3π/2 है, तो इन एनी वेज सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि इट इज़ मल्टीपल ऑफ π/2,
तुम कहो ये भी मल्टीपल है पाई बाय टू, नहीं लेकिन ये पाई का भी मल्टीपल है, ये पाई का मल्टीपल नहीं है। सो वी कैन रिमेम्बर दिस एट दिस एज कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू लिखा है हमने यहाँ पे। जैसे ये क्या है, ये ज़ीरो है, ये क्या है, ये पाई बाय टू है, ये क्या है, ये पाई बाय टू इंटू टू है, पाई बाय टू से बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या है, थ्री पाई बाय टू। तो अब इसको देखो गौर से, ये तो ज़ीरो है, ये क्या है, वन इंटू पाई बाय टू, फिर टू इंटू पाई बाय टू हुआ, फिर थ्री इंटू पाई बाय टू हुआ। अगला जो यहाँ पे आएगा, एक और इसी सीरीज़ में लिख के देखते हैं, फोर इंटू पाई बाय टू, यहाँ पे आएगा फाइव इंटू पाई बाय टू, यहाँ पे आएगा सिक्स इंटू पाई बाय टू, यहाँ पे आएगा सेवन इंटू पाई बाय टू। तो इन एनी वेज तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू किधर जा रहे हैं, सेकेंड एक्सेस और फोर्थ एक्सेस पे है ना, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू किधर जा रहे हैं, फर्स्ट एक्सेस पे और थर्ड एक्सेस पे। ये देखो इवन नंबर्स हैं, टू सिक्स, यहाँ पे ज़ीरो फोर, फिर एट आता, एट पाई बाय टू। तो ये इवन नंबर्स हैं, टू एट फोर एट, और ये भी इवन नंबर्स हैं। तो इसको ऐसे पाई बाई टू के मल्टीपल में भी याद रखा जा सकता है आगे चल के, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस। अब आ जाओ ज़रा इस पे कि इसको हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में जमा के जस्ट एक प्रैक्टिस मिल जाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम। अच्छा कोई चीज़ जैसे क्या, अभी तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ें तुम्हें बहुत ऑब्वियस लग जाएंगी। हो सकता है कुछ तुम्हारे तरीके निकल के आ जाए, खुद का तरीका याद हो जाए तुम्हें इस कुछ चीज़ को याद रखने का। ये बात समझ में आ रही है? तो आगे चल के अगर तुम्हें कुछ और तरीके से याद हो जा रही है चीज़ें बाय द टाइम यू प्रैक्टिसिंग इट, तो वो तुम्हारा ओरिजिनल तरीका होगा। अगर ये सेंस नहीं बन रहा है उसके समझने के बाद और काम चल रहा है हमेशा, कभी तुम गलती नहीं कर रहे हो, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये तो टूल है। अगर इसमें गलती कर दी हमने तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इसलिए दिया जा रहा तुमको ताकि तुम्हारा जब अभी क्वेश्चन करो तो तुम उठा पाओ, उसमें कुछ गलती वलती ना निकले। लेकिन बाय द टाइम तुम क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपना कुछ ईजीएस्ट तरीका भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे टूलिंग का। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये अप्लाई होना चाहिए, भले तुम्हें किसी तरीके से याद रखो जाए वो, है ना। जैसे वो जिंगल्स बनाते हैं अपन अपने केमिस्ट्री में कि पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए, वैसे ये जिंगल्स टाइप ही हैं। मतलब है तो सब लॉजिकल, वो उतना मैथ्स में इतना इलॉजिकल जिंगल्स नहीं है, जैसे वहाँ पे इतने लॉजिकल जिंगल्स थे, राम सेवक ऐसे कुछ नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, या हलीना का सर बाल रहित ऐसा कुछ जिंगल्स रहते थे पीरियोडिक टेबल रटने के लिए, तो वो इलॉजिकल थे पूरे। लेकिन ये लॉजिकल है, मतलब तुम्हारा जिंगल जो रहेगा उससे भी वही लॉजिक बैठेगा जो अगले का रहेगा। तो तुम अपने जिंगल्स, मैथमेटिकल जिंगल्स भी तैयार करते जाओगे बाय द टाइम, जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। लेकिन दिमाग इसमें फिरा के, मतलब जैसे नवींद्र का दिमाग थोड़ा सा चलता है कि एएसटीसी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, लेकिन अप्लाई कर पा रहे हो तो ठीक है, मतलब तुम समझ गए, तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम समझ गए। एएसटीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसे बताओ, उसका यूज़ आएगा कहीं पर। तो तुम अपने खुद के भी प्रैक्टिस के थ्रू जो जो चीज़ें निखर के आ रही हैं तुम्हारे, जो तुम्हारा तरीका बन रहा है, उन सब चीज़ों पे भी कॉन्शियसली पकड़ते जाओगे, मतलब अभी बाय द टाइम जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब। अब आ जाते हैं अपन बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने पर। और ये डिग्रीज़ के एंगल्स हमें एकदम रटे हुए होने चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और एक और जोड़ देते हैं अपनी कहानी में, एक 37 डिग्री भी जोड़ देते हैं, 37 और 53, उनको बाद में लिख लेंगे। आज मैंने फिजिक्स की क्लास में बताया था कि जो 3 4 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो ट्रायंगल बनता है उसके रेशोज़ 37, करीब करीब 37 डिग्री और 53 डिग्री के करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो वो हमको याद रखना है। सो हेयर वी आर राइटिंग फंक्शन एंड हेयर वी आर राइटिंग एंगल। साइन एक्स, एक्स
जब 0 डिग्री है तो 0 होता है साइन एक्स, 30 डिग्री है तो 1/2 होता है। ये खुद से भरो ये टेबल तो, है ना। कॉस एक्स, टेन एक्स, इनके रेसिप्रोकल्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स, तो ये भर दो। और क्या, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1/2, 37 डिग्री पे कितना होता है अक्षत बताओ, साइन 37 डिग्री कितना होता है? 3/5 3/5। तो अब या तो 3/5 होगा या तो 4/5 होगा, तो थोड़ा सोच लो कौन सा एंगल बड़ा है। कि जैसे ये 37 डिग्री है, तो अब इस ट्राइंगल में 100% जो हाइपोटेन्यूस है वो तो 5 होगा। अब ये इसकी चोंच कम खुली, ज़्यादा खुलती तो ये वाला बड़ा होता, तो कम खुली है इसका मतलब कि ये 3 है और ये 4 है ना। 45 डिग्री होता तब ये दोनों बराबर होते, लेकिन कम कौन होगा, 45 डिग्री से कम एंगल है तो ये वाला कम होगा, तो ये 53 डिग्री है। तो बस 2-3 बार प्रैक्टिस करो फिर रटा जाएगा तुम्हें ये चीज़। ये साइन 53 डिग्री 4/5 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये उल्टी ऐसा उल्टा वो लिख दो, 90 डिग्री में 1/2 क्यों चिपका दिया, 1 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जैसा लिखा हुआ है वैसा उल्टा उकेल दो यहाँ पे, तो 0 1/2, 1/√2, √3/2, ये भी उल्टा उकेल दो, 4/5 और ये 3/5। 10 0 0 होता है, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, 10 45 डिग्री 1 होता है, 10 60 डिग्री √3 होता है, और 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, 10 37 डिग्री क्या होगा, 3/4, और 10 50 डिग्री 4/3। और जैसा ये लिखा हुआ है इसके अपोजिट में ऐसे कॉट में उकेल दो, तो कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये इज़ √3, ये 1, ये 1/√3, और ये 1/ नॉट डिफाइंड डिफाइन हो जाता है किसी तरीके से, 0 आ जाता है। ये कॉट 37 डिग्री इज 4/3 एंड 10 कॉट 53 डिग्री इज 3/4। अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का इनवर्स, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड यार, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, ये 2/√3 और ये 1, है ना। टाइम पास चल रहा है, ये फटाफट लिखो इसे। फिर सेक एक्स किसका होता है, कॉस का, तो कॉस का 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2, ये नॉट डिफाइंड, और ये भी लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 5/3, 5/4 यहाँ पे आएगा, फाइव बाय फोर एंड 5/3। 0 डिग्री 0 होता है, रेडियन में भी लिख देते हैं। ये क्या होता है, 5/6, 5/4, 60 डिग्री 5/3, 90 डिग्री 5/2। इसको कैसे लिखें, ये तो फ्रैक्शन में आएगा कुछ, तो इसको छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं इसे। ठीक है, लिख सकते हैं वैसे लिखना चाहें तो, 180/π डिग्री इंटू 37, इसको भी लिख देते हैं, 180/π इंटू 53, बस लिख दिया। अब कुछ काम की बात, ये तो हमें बचपन से पता है, तो इस पे दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये मैंने बता दिया। और अब काम की बात हमें याद रखनी है, जो नई चीज़ें सीखें उसके लिहाज से। तो 0 डिग्री रिप्रेजेंट दिस, एंड 0 डिग्री पर साइन थीटा कॉस, 10 थीटा 0 होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा 1 होता है, और कॉट और कोसेक नॉट डिफाइंड होता है। तो इसको हम लिख देते हैं कि ऑन दिस एक्सिस साइन एक्स एंड टेन एक्स इज 1। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे, तो ऐसे लिख देते हैं साइन कॉस, नहीं साइन टेन इज 1। नॉट डिफाइन कौन है, कॉट और कोसेक, और सॉरी साइन और टेन तो 0 है, कॉस और सेक 1 है, और क्या बचा, कोसेक एंड
वन बाई ज़ीरो यानी कि नॉट डिफाइंड है। फिर चले हम दूसरी एक्सिस की तरफ। दूसरी एक्सिस के लिए हमने लिखी सारी, एक तो ऑब्जर्वेशन लिया। दूसरी एक्सिस क्या है? दूसरी एक्सिस 90 डिग्री वाली एक्सिस है। तो साइन एक्स वन हो गया, यहाँ पे कॉसेक एक्स वन हो गया, ठीक है। टेन नॉट डिफाइंड हो गया और सेक नॉट डिफाइंड हो गया, कॉट और कॉसेक 0 हो गए। तो अगर लिखा जाए तो अब 0 कौन है यहाँ पे? 0 सबसे पहले लिख देते हैं, कॉस और कॉट। सो कॉस एंड कॉट आर 0। फिर 1 कौन है यहाँ पे? साइन 1 है और कोसेक 1 है। तो साइन एंड कोसेक आर 1। और नॉट डिफाइंड कौन है? टेन नॉट डिफाइंड है और सेक नॉट डिफाइंड है। सो टेन एंड सेक आर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तीसरी एक्सिस पे आ जाते हैं। तीसरी एक्सिस पे जो साइन और टेन है वो 0 होते हैं, और कॉस और सेक -1 होते हैं, एंड कॉट एंड कॉसेक नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इस एक्सिस पे आ जाते हैं। इस एक्सिस में साइन और कोसेक -1 होते हैं, ठीक है। कॉस और कॉट 0 होते हैं, एंड टेन और सेक नॉट डिफाइंड होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। एक्सिस का जनरल टर्म भी लिख देते हैं। ये जो फर्स्ट एक्सिस थी किस टाइप की थी? ये थी 2n पाई की तरह। ये वाली एक्सिस जनरली किस फॉर्म की थी? 2n 4n+1 π/2 की तरह। ये वाली किस फॉर्म की थी? ये वाली थी 2n+1 π की तरह, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये चौथी किस टाइप की थी? 4n+3 π/2 की तरह, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। बाय द टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद हो जाएंगी। तो इस नोट के बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखने वाले हम, तुम्हें उसकी वैल्यूज़ बतानी है अपने दिमाग से सोच के, है ना। दिमाग में ये एक्सेस बननी चाहिए कि यार, सर थोड़ा बाकी 1 मिनट। हाँ लिख लो। दिमाग में तुम्हारे एक्सेस बननी चाहिए कि जैसे मैंने कहा कॉट पाई, तो तुम्हारा दिमाग पहुँचना चाहिए कि कौन सी एक्सेस है ये, है ना। पाई किस एक्सेस पे आता है? थर्ड एक्सेस पे आता है। तो फिर उसके हिसाब से तुम्हारा फिर खुलना चाहिए पिटारा कि यार कॉस पाई क्या होता है? -1। एक एक वैल्यू याद रखनी है बस, है ना। क्योंकि जैसे अगर कॉस पाई की वही वैल्यू होगी जो कॉस 3 पाई की होगी, ऑड पाई क्योंकि ये पूरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एक वैल्यू याद रखनी है जस्ट, बाकी फिर अपन दिमाग लगा लेंगे जैसा भी होगा। सो लिखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है साइन 13 पाई, सेकेंड है कॉस 11 पाई, थर्ड है कॉट 30 पाई, फोर्थ है कोसेक 11π/2, फिफ्थ है कॉट 30 पाई, सिक्स्थ है 10 -35π, सेवन्थ है कॉस -14π/2, एट्थ है सेक -13π/2, एंड नाइन्थ इज साइन -1345π/2। इन सब की वैल्यूज लिखनी है हमें। तो अब तुम्हें अपना अपना ही सोचना पड़ेगा। बस मैं थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करूं कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस अलाइंड हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 13π। 13π कौन सी एक्सिस पे आता है ये सोचना है हमें। तो किस टाइप का है ये ऑड पाई की तरह है, ठीक है ना। 13 इज ऑड नंबर, इसका मतलब कौन सी एक्सिस पे आया? थर्ड एक्सिस पे। अब थर्ड एक्सिस पे साइन क्या होता है याद करो।
साइन जीरो होता है, चाहे इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, इन दोनों पे साइन जीरो होता है। जीरो पे भी जीरो है, पाई पे भी जीरो है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट साइन इंटू ऑड पाई। तो इनफैक्ट ऑड हो चाहे इवन हो वो जीरो ही होता है साइन के टर्म्स में, तो ये जीरो हो जाएगा। अगले पे आ गए कॉस 11 पाई। अब सबसे पहले तो एक्सिस सोची, 11 पाई कौन सी एक्सिस पे, ये भी तीसरी एक्सिस पे है, ठीक है ये एक्सिस आ गई अपनी। अब कॉस है इधर, कॉस 0 1 होता है, तो अगर इधर 1 हो गया तो इधर -1 होना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे -1 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई इसकी, -1। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कॉस के लिए अगर इवन पाई और ऑड पाई है तो अलग अलग वैल्यूज आती हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख सकते हो तुम तो, कि कॉस ऑड पाई इज -1 एंड कॉस इवन पाई इज +1, ठीक है, जबकि साइन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो जीरो ही होना है। तो साइन इवन ऑब्लिक ऑड पाई इज इक्वल्स टू जीरो, या ऐसा लिख सकते हैं साइन एन पाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर आ गए हम कॉट 30 डिग्री पे, तो कॉट 30 डिग्री को सोचने के लिए, 30 पाई को सोचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि 30 पाई सोचो कहाँ लाई करेगा, इवन पाई है, इवन पाई कौन सी एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस पे, तो ये पहली एक्सिस हो गई इसकी। अब कॉट हो चाहे 10, 10 के टर्म्स में लिख दो इसका आंसर और 1 अपॉन करके देख लो, तो दिस इज सर नथिंग कॉट बट, हो क्या बोल रहे हो अक्षत, कॉट 30 पर 2 बार लिख दिया अपन ने। हाँ इसको काट दो अभी, कुछ और लिख देंगे वहाँ पे। तो ये क्या अपने सर मैं पास 1 अपॉन 30 पाई। अब 30 पाई मतलब कि इस एक्सिस पे 10 क्या होता है, जीरो, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1/0, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर कॉसेक 11π/2, तो अब ज़रा सोचे हम बैठ के अच्छे से कि यहाँ पे क्या, जीरो यहाँ पे, 1π/2 यहाँ पे, 2π/2 यहाँ पे, 3π/2 यहाँ पे, 4π/2 यहाँ पे, 5π/2, 6 7 8 9 10 11, मतलब कि यहाँ पे आएगा। अच्छा और क्या तरीका है इसको अच्छे से याद रखने का, कि 5/2 चार राउंड के बाद फिर रिपीट होते रहता है, तो इससे नियरेस्ट कौन है, 11 के नियरेस्ट 8 है, 8 के बाद 9 10 11, तो ये वाली एक्सिस है, ठीक है। इसको साइन के टर्म्स में देख लेते हैं, 1 अपॉन साइन 3π/2 जैसा है ये, है ना, इस एक्सिस पे लाई कर रही है, इस एक्स ऊपर वाली एक्सिस पे साइन पॉजिटिव होता है, नीचे वाले पे नेगेटिव होता है -1 में, सो दिस इज -1, ठीक है। फिर आ गए हम कॉट 30π, तो रिपीट हो चुका, तो यहाँ कुछ और लिख लेते हैं, क्या लिख लें, 10 19π/2 लिख लेते हैं। अब 19π/2 है ये, तो सबसे पहले तो एक्सिस सोचो कौन सी है, एक्सिस सोचने के लिए बनाया हमने क्रॉस 19π/2। अब नियरेस्ट कौन है इसके, 4 का मल्टीपल, नियरेस्ट इसके 16 है, मतलब 16π/2 यहाँ आएगा, ये 17, ये 18 और ये 19, इसका मतलब थर्ड एक्सिस पे आ गई है। इसका मतलब ये क्या, इधर पे 10 क्या होता है, इधर पे नॉट डिफाइंड होता है 10 और इधर भी नॉट डिफाइंड होता है, इसका आंसर आ गया नॉट डिफाइंड। फिर 10 -35 डिग्री, इसका मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अब सोचो अच्छे से बैठ के, -36 डिग्री पे पूरा हो जाता, वापस लौट के आ जाता, लेकिन -35 ही रह गया, मतलब कि क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो एक पहले रह गया इससे पड़ाव, इससे पहले एक पड़ाव मतलब कि ये वाली एक्सेस, ठीक है। तो इस पे क्या होता है 10, इस पे 10 होता है नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री वाली लाइन है ये। फिर आ गए हम कॉस -14/2 पे, तो दिस इज नथिंग बट कॉस -7π, कोई ऑड है कि इवन है ये, तो ये 7 ऑड है, इसका मतलब कि ये वाली एक्सिस है, इस वाली एक्सिस पे क्या होता है कॉस -1, इसका आंसर हो गया -1। फिर अगले पे आ गए सेक -13π/2, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 13 बार चलना है यहाँ से, सबसे नियरेस्ट क्या 12, तो 12 के बाद एक और चलना है, तो यहाँ आ गए क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो ये थर्ड एक्सिस है। अब सेक यहाँ पे क्या, इसको 1/cos के फॉर्म का लिख लिया,
वन अपॉन कॉस माइनस 13 पाई बाय 2। इस एक्सिस पे कॉस क्या होता है? इस एक्सिस पे कॉस +1 होता है और इस पे -1 होता है। सही बोला क्या? नहीं, गलत। दोनों पे 0 होता है, 90 डिग्री पे भी 0 और इस पे भी 0। तो इसका आंसर 1/0 के फॉर्म का आएगा, तो दैट इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये सब बातें अपन को याद रखनी है। तो कनेक्ट कर पा रहे हो कौन सा कहाँ से जुड़ के क्या हो रहा यस सर। है? ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको हमेशा याद रखने हैं, कि साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा डिफाइंड होते हैं। साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है। जैसे कॉट टेन, कॉसेक सेक, ये कहीं कहीं डिफाइंड नहीं होते। तो देखते हैं, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स ये कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है? ये वहाँ वहाँ डिफाइन नहीं होंगे जहाँ पे साइन एक्स 0 हो जाए और टेन एक्स 0 हो जाए, मतलब कि इस एक्सिस और इस एक्सिस पे, है ना, पहली और तीसरी एक्सिस पे। इसको कलेक्टिवली कैसे लिख सकते हैं हम? एन पाई। सो दीज आर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। जब एक्स की वैल्यू हम एन पाई रखेंगे तब ये डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा, टेन एक्स एंड सेक एक्स। टेन किसका रेसिप्रोकल है? टेन साइन अपॉन कॉस, और ये क्या? वन अपॉन कॉस। तो इसके दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? कॉस कॉस आ रहा है। तो अब कॉस को देखते हैं, कॉस 0 कहाँ होगा? वहाँ दिक्कत आएगी। तो कॉस 0 यहाँ होता है और यहाँ होता है, ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? सेकेंड और फोर्थ एक्सिस को इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये π/2, 3π/2, तो कुल मिला के ये ऑड π/2 है। ऑड π/2, ऑड π/2 कैसे लिखते हैं? 2n+1 π/2। तो इसका मतलब टेन एक्स और सेक एक्स आर नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़, वन अपॉन सेक एक्स को क्या हम कॉस एक्स लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन केवल उस जगह नहीं लिख सकते जहाँ पे सेक एक्स 0 हो जाए। और सेक एक्स 0 कहाँ पे होता है? सेक एक्स 0 मतलब कि नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है? 0 नहीं, सॉरी, सेक एक्स नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है? 2n+1 π/2 पे। सो वी कैन राइट दिस, इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2n+1 π/2, एंड नेक्स्ट रेसिप्रोकेशन दैट इज 1 अपॉन कोसेक एक्स, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स। हाँ, बस जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड ना हो। तो इफ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है ये? कोसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई। सो इफ एक्स डज नॉट गेट द वैल्यू एन पाई, वहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा, है ना। बट अदर वे राउंड, 1 अपॉन साइन एक्स को कोसेक एक्स लिख सकते हैं क्या? तो हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन एक्स तो हर जगह डिफाइंड है। नहीं, 0 पे दिक्कत आ जाएगी इसे, क्योंकि 0 पे ये क्या, 1/0 नॉट डिफाइंड के फॉर्म का बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम नहीं लिख सकते ऐसा। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? एस एक्स एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू एन पाई। सिमिलरली 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या सेक एक्स लिखा जा सकता है? केवल वहाँ पर जहाँ पर कॉस एक्स 0 नहीं हो रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 भी मंजूर नहीं है। सो एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। एक्स ऑड π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सीखने के बाद हम आ जाते हैं एक मज़ेदार चीज़ पे, जिसमें तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी पेशेंटली सुनना।
अब हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं, उनके बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ये हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो लेकिन कुछ गहरी बातें जो 10th में नहीं पढ़ी थी या इतने जोर दे के नहीं पढ़ी थी, उन पे हमें हाईलाइट होना है। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये हमेशा डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स आर ऑलवेज डिफाइन। सो दिस इज़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, सारी रियल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड हो गई है। सेकेंड है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब ये केवल उस जगह डिफाइन नहीं होगी जहाँ पर एक्स डिफाइन, ये सेक एक्स और टेन एक्स डिफाइन नहीं हो रहे होंगे। और वो कहाँ डिफाइन नहीं होते? वो डिफाइन नहीं होते इधर और इधर, यानी कि ऑड पाई बाई टू पर। सो दिस इज ट्रू इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ऑड पाई बाई टू। ठीक है, तीसरी इनइक्वलिटी, नॉट इनइक्वलिटी, आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी इज लाइक कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। ये भी हर जगह होगा सही, लेकिन ऐसी जगह छोड़कर जहाँ पे कॉस एक्स और कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है। और वो कहाँ नहीं है? इन पर। सो दिस इज ट्रू इफ एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है, तो याद रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये याद रखना है कि अगर कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो हम उसको कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे टेन स्क्वायर एक्स लिखा है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कहीं पे कॉसेक स्क्वायर लिखा है तो कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब पहला पॉइंट, दीज आर कन्वर्टेबल। कैसे लिखें इसको? ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज कन्वर्टेबल। हाँ अक्षत, उल्टा ए क्या सिंबल करता है? उल्टा ए का मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल, सभी एक्स के लिए। यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट दिस, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी से हमें याद रखना है कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर एक्स है सो इट कैन बी कन्वर्टेड टू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और कॉस स्क्वायर एक्स है कहीं पे तो उसको साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर कन्वर्टेबल, ऐसे लिख सकते हैं इसे। टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स है तो उसको कॉट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स कैन बी कन्वर्टेड टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन, यानी कि यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक एडिशनल आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा लिखने से क्या हुआ? हमने ये पाया कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स। इसको लिखा अच्छे से, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस कॉस एक्स। अब एक साइन इधर ले लो और ये वाली चीज इधर ले लो, तो ये कैसे बन जाएगा? हूज दैट? सर आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है क्या? हाँ सर अटक रही है थोड़ी थोड़ी। अभी अचानक से अटकने लग गई है, पहले से अटक रही है? सर थोड़ी थोड़ी अटकने लग गई है अचानक से। हो सकता है कुछ सर्वर लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो, अनइंस्टॉल कर रहे हो तो फिर कुछ सर्वर की दिक्कत आ रही हो। तो वापस आता हूँ मैं एक्सप्लेन करने पे, आवाज फिर अटके तो बताना, अपन फिर थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। तो
साइन स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिखा जा सकता है। एक साइन एक्स इधर ले लिया और एक 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स इधर ले लिया, ठीक है। इसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो एक फैंसी टाइप का फॉर्मूला बन गया ये। तो कहीं पे ऐसा लिखा आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही बन जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इस स्टेप में हमने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स को भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिख सकते थे। तो देखो, अगर हम ऐसा कर देते यहाँ से कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इसमें लगा देते ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये हो जाता ए प्लस साइन एक्स मतलब 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक कॉस को इधर लेके आते और इस साइन को इधर लेके आते, तो ये क्या बनता, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये भी इसी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है एग्जैक्टली। ऐसा कहीं लिखा आ जाए तो ये समझ जाना है हमें कि इसी से आया है, ठीक है। फिर आ गए हम तीसरे सी पार्ट पे। अब देखो यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेक एक्स प्लस 10 एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स माइनस 10 एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब इसको इधर लेके चले गए किसी एक को, है ना, इधर लेके चले गए इसको, तो सेक एक्स माइनस 10 एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10 एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी बड़ा फैंसी सा फॉर्मूला बन गया कि सेक एक्स माइनस 10 एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स प्लस 10 एक्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दिस वी हैव रिटर्न वेन एवर द टर्म्स आर डिफाइंड, तो यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख लेना वेन एवर डिफाइंड, हर एक्स के लिए नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे हम, क्या सेक एक्स माइनस 10 एक्स एंड सेक एक्स प्लस 10 एक्स आर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर ऑफ ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा सकते हैं। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो एक चीज़ को एक तरफ लेके चले गए, तो यहाँ पे भी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो यानी कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एंड ऑफ कोर्स दिस एक्सप्रेशन वी हैव रिटर्न वेन एवर द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड वेन एवर डिफाइंड। तो यहाँ से क्या लर्निंग पॉइंट है, यहाँ से लर्निंग पॉइंट है कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये डी हो गया। ई पॉइंट को देखो, मैंने लिखा 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख दिया। तो ऐसा लिखने से इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको किस फॉर्म में रीअरेंज कर दें, 10 स्क्वायर एक्स ही लिखा रहने देते हैं इसको, और इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस इज 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो और इसको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। यह है अपने पास
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाली चीज़ तो वन से मल्टीप्लाई हो गई थी वही की वही रहेगी, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा केवल साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या है टेन स्क्वायर एक्स, और ये वाली चीज़ क्या है साइन स्क्वायर एक्स। तो बहुत ही अद्भुत फार्मूला है ये कि टेन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का प्रोडक्ट उनके डिफरेंस के बराबर होता है, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये चीज़ भी याद रख ली। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले डालते कि टेन स्क्वायर एक्स के आगे, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा करते और इसको लिखते हम वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लिखते कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखते वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब मल्टीप्लाई करते तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन आता, सो दैट वुड बी कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाता और कॉस स्क्वायर एक्स बचता। तो ये भी अद्भुत फार्मूला आ गया कि कॉट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का प्रोडक्ट कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स और साइन कॉस स्क्वायर एक्स के डिफरेंस के बराबर है। तो ये हो गया अपना ई पॉइंट। अब एफ पे आ जाओ। हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर का रूट कर रहे हैं तो ये प्लस एक्स नहीं होता, ये प्लस माइनस एक्स होता है। तो सही तरीका क्या है एक्स स्क्वायर के रूट के लिखने का, मॉड एक्स ना, रटा गई होगी ये चीज़। तो इसका मतलब अगर कहीं ऐसा चिपका हुआ है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो ये गलत बात है। क्या क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ कॉस एक्स लिखना चाहिए हमें। तो द करेक्ट इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिखा हुआ है, सो दिस विल बी मॉड ऑफ कॉस एक्स। जब सबसे पहले तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट होगा, उसका रूट लेना है ना। तो अब कॉस एक्स पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो ये तो बात हमें पता है ए एस टी सी रूल से। तो दिस विल बी ईदर पॉजिटिव और ईदर नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कहाँ होता है कॉस, देख लेते हैं ए एस टी सी रूल से। ए एस टी सी तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी जगह नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब लिखा हमने, जब इफ एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और नेगेटिव कब होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इनफैक्ट माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि कॉस एक्स नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, इस वजह से प्लस आंसर आना चाहिए। फिर आ गए अपन एक और एक्सप्लेनेशन पे कि सिमिलरली अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसका रूट करना है, सो दिस विल बी वॉट साइन स्क्वायर एक्स का रूट, यानी कि मॉड साइन एक्स। अब मॉड साइन एक्स को प्लस साइन एक्स लिखना पड़ेगा जब पॉजिटिव हो, और नेगेटिव में लिखना पड़ेगा जब नेगेटिव हो। तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, ए एस टी सी फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो दिस इज़ व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड माइनस साइन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ में, लिखो इसको अच्छे से।
ये क्या अननेसेसरी आगे बढ़ गए हम इतना। अक्षत कैसे किया इस स्टेप के बाद? सर मैंने LHS से ही किया है। साइन और कॉस में कन्वर्ट किया क्या? नहीं सर, सर एक ट्रिक पता था छोटी सी, सर ने बताई थी मेरे को हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो। सर मैंने वन को रिप्लेस कर दिया सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से, और अच्छा उससे निकल आया सेक माइनस टेन ने सेकेंड प्लस टेन ने, फिर ठीक कॉमन है, लेके जो कॉमन ऊपर आया लेके था वही बात नीचे बन आया था गए। वही। हाँ ठीक है, हाँ तो एक गड़बड़ क्या हो गई? हाँ देखो इसमें एक ये गड़बड़ हो गई, देखना। इसमें एक ये गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पे माइनस वन लिखा हुआ है और मैंने प्लस वन लिख डाला, इधर माइनस आना चाहिए। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ माइनस आया तो इससे ये कट गया, तो कुल मिला के इस स्टेप के बाद सेक ए प्लस टेन ही बचा। तो दिस इज सेक ए प्लस टेन, और यही क्या राइट हैंड साइड के बराबर? नहीं, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमको? वन प्लस साइन ए अपॉन, अब कन्वर्ट कर दिया इसको, इसको लिखा वन अपॉन कॉस और इसको लिखा कॉस साइन अपॉन कॉस। तो ये आ गया वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो ही RHS है हमारा, यही हमें चाहिए था, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द फॉलोइंग, सो फर्स्ट इज 2 sin की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a, ठीक है, माइनस 3 sin की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करें इसकी वैल्यू फाइंड? हमारे पास यहाँ पे साइन की पावर 6 है और यहाँ पे कॉस की पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन की पावर 4 है और कॉस की पावर 4 है। तो हम साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के स्ट्रक्चर का कुछ हो तब कुछ सेंसिबल कर पाते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, ब्रैकेट के बाहर 2 माइनस 3, यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि ओवरऑल पावर 4 बनानी है वहाँ पे। तब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हमने कुछ स्ट्रक्चर में लिखाएगा ये फॉर्मूला, किस स्ट्रक्चर में लिखाएगा देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 2 sin² प्लस कॉस स्क्वायर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो गौर से देखना इस चीज़ को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर सर प्लस, हाँ बोलो। अपन साइन क्यूब का स्क्वायर लिखें और कॉस क्यूब का स्क्वायर लिखें, हाँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से 1 ला सकते हैं अपन इधर। अच्छा, क्यूब से क्यूब में लिखने का फ़ायदा ये है कि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसा लिख देंगे, ए प्लस बी, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये निकल जाएगा काम से, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में अपन ने इसको किस तरीके से लिख दिया? नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर कितना है? साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि साइन की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये खोल दिया हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, इधर माइनस 3, और ये क्या है?
थ्री साइन की पावर फोर माइनस कॉस थ्री कॉस की पावर फोर, इसको खोल दिया। तो अब इस ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये वाली वैल्यू तो वन हो गई, तो क्या बचा, टू इंटू साइन की पावर फोर प्लस टू इंटू कॉस की पावर फोर माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस थ्री साइंस की पावर फोर माइनस थ्री कॉस की पावर फोर। तो ये टू साइन की पावर फोर और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थ्री साइन की पावर फोर, तो इफेक्टिवली बचेगा अपने पास माइनस साइन की पावर फोर। फिर यहाँ पे कितना है, टू कॉस की पावर फोर और यहाँ पे माइनस थ्री कॉस की पावर फोर, तो माइनस थ्री कॉस की पावर फोर, माइनस थ्री नहीं माइनस वन, माइनस वन कॉस की पावर फोर, और ये क्या है माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया माइनस, तो साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर प्लस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो माइनस वन का स्क्वायर यानी कि माइनस वन आंसर हो गया। आया समझ में हेयर इन दिस क्वेश्चन? हमने क्या यूज किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने ये वाला यूज किया है ना, तो हमें क्या करना था, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कितनी आ गई माइनस वन। तो इसका मतलब ए की कोई भी वैल्यू हो, एंगल ए की, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस वन आनी है, मतलब माइनस वन में रिड्यूस हो गई वो वैल्यू। फिर आ गए अपन सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, सेक की पावर फोर ए वन माइनस सेक की पावर फोर ए माइनस 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 टू टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करें, सोचते हैं कुछ। एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, दिस इज़ नॉट सेक स्क्वायर, सेक की पावर फोर है, दिस इज साइन की पावर फोर है, इसको करेक्ट करो। तो अब हो पाएगा ये सॉल्व अच्छे से। तो सॉल्यूशन के लिए क्या किया हमने, हमने यहाँ पे इसको तो अभी छोड़ा दो मिनट के लिए, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज वन माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक की पावर फोर ए तो एज इट इज़, माइनस टू टेन स्क्वायर ए भी एज इट इज़, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक की पावर फोर ए, तो इसको लिख देते हैं वन अपॉन कॉस की पावर फोर, दिस इज़ वन अपॉन कॉस की पावर फोर। और यहाँ पे तो लिखा रहने दिया एज इट इज़ वन प्लस साइन स्क्वायर, और ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ है टेन स्क्वायर ए, तो इसको अभी देखते हैं, टेन स्क्वायर ही लिखा रहने, ठीक है। तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, हमारे पास यहाँ कॉस स्क्वायर से एक कट गया, तो कॉस स्क्वायर बचा नीचे, सो दिस विल बी वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सो दैट इज सेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट में क्या है वन प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ क्योंकि सेक स्क्वायर ए आया है, इस टेन स्क्वायर को अपन सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेंगे, सो टू वन प्लस सेक स्क्वायर ए, तो ये आया हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस टू और माइनस टू सेक स्क्वायर ए, ये आ गया। तो ऐसा करने से ये वाली चीज़ हमारे पास बनी है टू सेक स्क्वायर है और यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो क्या किया जाए इसका, इसका किया जाए सम, सो दैट इज़ माइनस सेक स्क्वायर है, माइनस टू तो इंडिपेंडेंट है ही, तो माइनस टू यहाँ लिख देते हैं,
अब ये चीज़ क्या बनी, ये चीज़ बनी साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए यानी कि टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या? लग रहा है। तो माइनस टू माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये वाली चीज़ वन होती है, सो दिस इज माइनस टू माइनस वन, तो ये माइनस थ्री आंसर आ गया, माइनस थ्री आंसर आ गया। यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो एक बार सही है क्या आंसर। स्पेल अटैक, सॉरी बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करना शुरू किया, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो खोल दिया स्क्वायर को, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस टू ए भी करेंगे तो ये और ये मिलके वन हो जाएगा, तो प्लस टू। फिर आ गए हम अगले वाले पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा और प्लस टू, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो दिस विल बी प्लस टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ये मिलके क्या बन गया, वन। कमान कमान कमान, ये मिलके बन गया वन। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा ये मिलके क्या बन गया, वन। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये मिलके क्या बन गया, वन। इसका मतलब वन वन वन, तीन ये और बाकी कितने, चार और दो, और दो चार, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, सेवन। सिंपल सा क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं हम फोर्थ पर कि इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा देन फाइंड अल्फा साइन थीटा अपॉन अल्फा अल्फा साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा होल अपॉन में अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा कॉस थीटा गिवन थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट, ताकि स्क्वायर करना पड़े तो अंडर रूट उसका पॉजिटिव ही आए। तो बस इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, टेन थीटा की वैल्यू अल्फा बाय बीटा दी हुई है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस पूरे को कन्वर्ट कर लेते हैं टेन के फॉर्म में, है ना, या तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें टेन थीटा अल्फा बाय बीटा हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा लिख देंगे। तो एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का ऐसा है कि हमने एक ट्रायंगल बनाया और क्योंकि टेन थीटा दिया हुआ है अल्फा बाय बीटा, सो दिस टेन थीटा इज अल्फा बाय बीटा, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्रोपोर्शनल होंगे। वैसे कायदे से क्या लिखना चाहिए हमें,
एक सेकेंड, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट है, तो कायदे से हमें के इंटू अल्फा, के इंटू बीटा और के इंटू ये लिखना चाहिए। तो अब रेशो लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो के तो चला ही जाएगा, तो इसलिए अल्फा और उनके टर्म्स में लिख दिया। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखो, अल्फा क्या है, अल्फा तो अल्फा है, साइन थीटा क्या है इस ट्राइंगल से, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे आएगा अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट माइनस बीटा, बीटा तो बीटा लिख दिया। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट, और बीच नीचे क्या है, नीचे भी वही चीज़ है बस प्लस है बीच में, तो नीचे भी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट माइनस बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो सभी के डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो कट जाएगा कॉमन निकल के, तो क्या बन जाएगा, ये नीचे प्लस है सॉरी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाली चीज़ ये बन गई और ये आंसर हो जाएगा। अल्फा और बीटा के टर्म्स में हमने ये जो गिवन चीज़ है वो निकाल के रख दी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया ये शत? यस सर, आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो विच सेज इफ एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए इज इक्वल्स टू जेड, देन प्रूव दैट एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए जेड के बराबर है, तो हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ को फ़िलहाल के लिए टी बोल देते हैं, है ना। सो राइट डाउन दैट एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू टी, एंड वी नीड टू फाइंड टी, ठीक है। और गिवन चीज़ क्या है वो भी यहाँ लिख देते हैं, एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए इज इक्वल्स टू जेड। अब टी हमें किस किस के टर्म्स में चाहिए, टी हमें एक्स वाई और जेड के टर्म्स में चाहिए, इसका मतलब कॉस ए साइन ए इनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से एलिमिनेट करें, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, देखो पहले का स्क्वायर किया, तो पहले का स्क्वायर किया तो इस चीज़ का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, सो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस टू एक्स वाई कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड का स्क्वायर किया, सेकेंड का स्क्वायर किया तो एक्स साइन ए का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस टू ए बी, सो माइनस टू एक्स वाई कॉस ए साइन ए इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर दैट इज जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉमन आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो वो वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो वन हो गया, प्लस वाई स्क्वायर के साथ भी यही कॉमन आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों सेम है तो ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ हो गई वन, ये वाली चीज़ हो गई वन। अब ये पूरी इक्वेशन एक्स वाई जेड और टी में बन गई, इसका मतलब साइन और कॉस को हमने एलिमिनेट कर दिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेके गए दूसरी तरफ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर,
अब इसका रूट करना है, तो रूट किया, तो जब रूट करेंगे तो प्लस माइनस आता है ना, मॉड आता है क्योंकि, तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। वी हैव टू प्रूव दैट टी इज इक्वल टू दिस थिंग, हेंस प्रूफ्ड। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो राइट डाउन अलोंग विद मी, इफ sec x plus tan x is equals to alpha, then find sec x, tan x, sin x and cos x. ठीक है, sec x plus tan x alpha दिया हुआ है, तो हमें sec x, tan x, sin x और cos x find करने। ठीक है, तो अब एक चीज हमने याद की कि sec x plus tan x और sec x minus tan x एक दूसरे का reciprocal होते हैं, तो अगर sec x plus tan x is equals to alpha है, तो sec x minus tan x क्या होगा, 1 by alpha। reason, since sec x plus tan x and sec x minus tan x रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें, तो एक बार sec x आ जाएगा, एक बार tan x आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज वन एंड दिस इज टू, एक भी रेशो आ गया तो बाकी सब तो आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 प्लस 2 किया, तो 1 प्लस 2 करने से हमारे पास आया, सॉरी, sec x और sec x जोड़ के हो जाएंगे 2 sec x, 2 sec x, tan x और माइनस tan x ख़त्म हो जाएंगे, तो कुछ नहीं आएगा, और इधर अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा जाएगा, सो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, तो यहाँ से sec x आ गया अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा 1 बाय 2, या वन अल्फा स्क्वायर प्लस वन टू अल्फा, तो ये sec x आ गया, तो cos x भी आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा, cos x इज इक्वल्स टू टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन, तो ये दो तो आ गए, बाकी सब भी आ जाएंगे, वन और टू को ऐड ना करने के बाद सब्सट्रैक्ट कर दें, वन माइनस टू, तो sec x माइनस sec x जीरो हो जाता, tan x माइनस माइनस tan x, तो टू tan x हो जाता, और यहाँ से अल्फा माइनस वन बाय अल्फा, तो अल्फा माइनस वन बाय अल्फा हो जाता, तो यहाँ से tan x क्या हो जाता, tan x हो जाता वन बाय टू अल्फा माइनस वन बाय अल्फा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू अल्फा, तो tan x आ गया, तो cot x भी आ जाएगा यहीं से, cot x विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस वन, ये आंसर आ गए, यही सब फाइंड करने थे, साइन भी फाइंड करना है, तो ठीक है, साइन फाइंड कर लिए, क्या करें, ये क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स ये लिख देंगे, तो दिस विल बी टू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू अल्फा, टू अल्फा टू अल्फा कट गया, साइन एक्स क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर माइनस वन अल्फा स्क्वायर प्लस वन, तो ये साइन एक्स भी आ गया, सब आ गया, कोसेक एक्स भी फाइंड कर सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल निकाल के। आया समझ में ये सवाल, नोट करो। और जैसे ही नोट हो जाए मुझे बताओ।
लिखा सर? लिख लिया। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सेज इफ sec x is equals to alpha plus 1 by 4 alpha, then prove that sec x plus 10 x is equals to 2 alpha or 1 by 2 alpha. ठीक है, sec x किसके बराबर है? sec x है alpha plus 1 by 4 alpha के बराबर। ठीक है भाई, तो हमें बताना है कि sec x plus 10 x will be either equal to 2 alpha या 1 by 2 alpha। तो अब ज़रा सा दिमाग को चमकाया हमने कि कोई चीज़ दो आ रही है, इसका मतलब कि समथिंग क्वाड्रेटिक मस्ट बी रिलेटेड विद इट, है ना? दो आंसर मतलब क्वाड्रेटिक में ही आते हैं, तो कहा ठीक है चलो देखेंगे बाद में। इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा है हमने? sec x plus 10 x, और ये क्या है? sec x। तो अब अगर हम अदर वे राउंड सोचें, पिछले क्वेश्चन में क्या sec x plus 10 x दिया हुआ था हमको, है ना, और sec x minus 10 x उसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमने यहाँ से sec x और 10 x निकाल लिया था, लेकिन अब हमको sec x दिया हुआ है उससे हमें ये निकालना है, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो सबसे पहले तो लिख दो लेट sec x plus 10 x इज इक्वल्स टू t, मतलब इस चीज़ को हमने t बोल दिया और इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो sec x माइनस 10 x विल बी इक्वल्स टू 1 बाई टी। इसका रीज़न क्या है? सिंस सॉरी सिंस sec x प्लस 10 x एंड sec x माइनस 10 x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ऐसा लिखने से अगर इसको बोल दिया जाए 1 और इसको बोल दिया जाए 2, दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो 2 sec x इज इक्वल्स टू टी प्लस 1 बाई टू, टी प्लस 1 बाई टी, 10 x तो कट जाएगा। अब इसकी वैल्यू दी हुई है हमें sec x की, तो अब रख देते हैं वो वैल्यू, क्वाड्रेटिक बनेगी टी में, और टी ही चाहिए हमें क्योंकि इसी चीज़ की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है, 2 अल्फ़ा या 1 बाई टू अल्फ़ा, और वो सवाल में हमने टी मान लिया इस चीज़ को। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अब sec x की जगह क्या रखें? अल्फ़ा प्लस 1 बाई फोर अल्फ़ा, सो सब्सटीट्यूट 2 sec x की जगह अल्फ़ा प्लस 1 बाई फोर अल्फ़ा, सो अल्फ़ा प्लस 1 बाई फोर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। अच्छे से इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। तो यहाँ 2 से 4 घटा तो यहाँ 2 बचा, क्वाड्रेटिक किसमें बनी है? टी का आंसर चाहिए हमें, तो टी का क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, तो बनाया ज़रा सा, इधर मल्टीप्लाई किया, टी इंटू 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा। टी स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? टी स्क्वायर कोफिशियंट है 2 अल्फ़ा। टी का कोफिशियंट क्या है? इधर जाएगा टी तो माइनस में आएगा, तो माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 अल्फ़ा, तो प्लस 2 अल्फ़ा। अब क्या किया जाए? एक काम करते हैं, 2 अल्फ़ा से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को, 2 अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया, सो टी स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 अल्फ़ा इंटू टी प्लस 2 अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो ये बना हमारे पास टी स्क्वायर माइनस, इसको लिखा 2 अल्फ़ा और इसको लिखा 1 बाई 2 अल्फ़ा इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे सम क्या है? सम है 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ 1। तो इसका मतलब एक रूट ये होगा और दूसरा ये होगा, तभी ये प्रोडक्ट बन सकता है इनका, है ना?
इसका सॉल्यूशन क्या है? टी इज इक्वल्स टू इधर टू अल्फा और 1/2 अल्फा, ठीक है, और यही प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ्ड। ये स्प्लिटिंग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, वैसे आ गया होगा समझ में, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। आया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क बताता हूँ ज़रा सा, पिछली क्लास और इस क्लास सबको मिला जुला के। सो द होमवर्क इज इलस्ट्रेशंस 2.1 से 2.18, 18 क्वेश्चंस, फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं, फिर इलस्ट्रेशंस 2.19 से लेके 2.26 जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं, फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज आएगी 2.2 जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं, फिर इलस्ट्रेशंस 2.27 से लेके 2.30 जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं, फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज जिसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो लग रहा है बहुत होमवर्क ज़्यादा, लेकिन नहीं है, क्यों? क्योंकि 18, 26, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 46 क्वेश्चन हैं। सो दिस रिक्वायर यू आर अबाउट 2 आवर्स ऑफ डिवोशन एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस बिफोर नेक्स्ट क्लास। तो ये मैं फोटो भेजूंगा तुम्हें अभी, है ना, इन सब की। ठीक है, इलस्ट्रेशंस में सॉल्यूशंस भी दिख जाएंगे तुम्हें कुछ कुछ के, लेकिन सॉल्यूशंस मत देखना, खुद से बनाना, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय सर।